स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो इसके लिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से ही DNRLM में जुड़े हैं तो आप सभी से निवेदन है कि पंच सूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय सीमा वापसी, लेखा जोखा, इन पंच सूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखें सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है और वैधता भी मिलती है। चलिए दीदी, ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाए, अंत तक देखती रहे, आपके जानकारी बहुत ज़रूरी है। UPSRLM जॉब 2021 ब्लॉक मिशन मैनेजर DMM के लिए आवेदन आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाए, अंत तक देखती रहें। यूपी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM भर्ती 2021, जी हाँ, UPSRLM नौकरी अधिसूचना की जांच कर सकती हैं आप लोग http://srlm.up.in/upsrlmjobs2021 ऑनलाइन आवेदन आप लोग दीदी कर सकती हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, UPSRLM भर्ती अधिसूचना 2021 में ब्लॉक मिशन मैनेजर DMM और अन्य 1954 पोस्ट के लिए आवेदन आप लोग कर सकती हैं। उन सभी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है जो 1954 ब्लॉक मिशन मैनेजर DMM और अन्य अधिसूचना और आवेदन पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक शानदार और शानदार कैरियर का अवसर है जो सरकारी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। UPSRLM विभिन्न 1954 ब्लॉक मिशन मैनेजर DMM और अन्य रिक्त पदों को भरेगा। सभी उम्मीदवार जो UPSRLM में नौकरी करना चाहते या चाहती हैं वे उसी पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक उम्मीदवार UPSRLM के लिए 7 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 से शुरू हो रहा है। भर्ती विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://srlm.up.inc.in/ है। पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख इस वीडियो में किया गया है। उम्मीदवारों को केवल नियम तारीख पर या उससे पहले प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से ही आवेदन पत्र भरना होगा। UPSRLM बैंकिंग क्षेत्रों में विभिन्न भर्तियों का संचालन करने वाला एक संगठन है। हर साल UPSRLM भर्ती के लिए विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए आधिकारिक UPSRLM अधिसूचना के अनुसार रिक्तियों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। UPSRLM रिक्ति, विशेषज्ञ कार्यालय, पात्रता मानदंड, आवेदन शुल्क और UPSRLM भर्ती 2021 के लिए चयन प्रक्रिया जैसे अधिक विवरण यहां दिए गए हैं। UPSRLM रिक्त 2021 से दीदी 22 तक चलेगा, इस बात को ध्यान दें। मैं बार बार 21 बता रही हूँ, 2021 से 22 तक चलेगा, क्योंकि हर साल ऑनलाइन आवेदन पत्र विवरण विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मिशन पद का नाम ब्लॉक मिशन प्रबंधक DMM और अन्य कुल रिक्तियाँ 1954 आधिकारिक साइट, ध्यान दें, आधिकारिक साइट http://srlm.up.nic.in/नौकरी का स्थान कहाँ है, लखनऊ है, ध्यान दें लखनऊ। इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर दीदी ऑनलाइन फॉर्म भरा कीजिए।
कोई भी आपको डीएमएम बीएमएम जो भी चाहिएगा मैं बार बार बताती रहती हूँ, इसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भराता है। नौकरी का स्थान लखनऊ यूपी यूपीएसआरएलएम रिक्त 2021 योग्य मानदंड योग्यता डिग्री आवेदन मोंड ऑनलाइन आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और वेतन नाम वेतन मान दीदी 23,500 से आपका 45,000 तक प्रारंभ होता है। कुछ बातों का आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो आपको इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ मैथ का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से आप लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो ये पूछे जाते हैं कि आपने कृषि विभाग या एग्रीकल्चर में कोई अगर काम किया है तो आप उसका सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ी सर्टिफिकेट भी लगती है। और आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में क्या जानकारी है, क्या नॉलेज है, अगर आप यह काम लेना चाहते हैं तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे सारे वीडियो देख डालिए, क्योंकि इससे जुड़ी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या है, समूह क्या है, ग्राम संगठन क्या है, क्लस्टर क्या है, और आजीविका को चलाने के लिए कौन कौन से साधन हैं, गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है और इसे हटाने का कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर से बहुत सी आपको जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप डीएमएम पद पर रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा समूह के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उसके साथ साथ इस पद के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, कैसे, एग्रीकल्चर के द्वारा। जी हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर में काम किए हैं तो आपको तनख्वाह मिली होगी, मानदेय मिला होगा, वेतन मिला होगा, आपका उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। जी हाँ, आपके पास कुछ नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना होगा कि आपने किस एग्रीकल्चर में कौन सा काम किया है, और आपकी जो सैलरी आती है एग्रीकल्चर के द्वारा आया है, ये स्टेटमेंट से पता चल जाता है। अगर आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है तो आप एग्रीकल्चर में अगर काम करिए या स्वयं सहायता समूह में काम करिए, सब्जी में काम करिए, तो बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। तो आप लोग जो भी पैसा लें, नगद अदा लें, बैंक द्वारा लें स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये लगता ही लगता है। फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों की जानकारी आप लोग रख लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एसएचजी के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर से भी बहुत से सवाल आते हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भी बहुत से सवाल आते हैं, मैथ का आता है और इंग्लिश का, जी अंग्रेजी का, ये सब ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय जी का। जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अगर लोग गरीबी को हटाना चाहेंगे तो ज़रूर हटेगा, लेकिन प्रयास करने की सबको ज़रूरत। तो चलिए, आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। जय जीविका।